अमन भाई कितनी बॉडियां यहाँ आई थी? 29 ही बॉडियां मतलब। किसी की शनाख्त हो पाई है? किसी की नहीं, कोई शनाख्त, कोई जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं। किसी भी गरीब के साथ जब कोई जुल्म करता था तो मुझे ये होता था कि यार इनका कोई नहीं है, सड़क पे किसी को मार कुटाई होगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं, गरीब है तो उसको सामने दुत्कार के कहा कि नहीं आप चले जाएं, कसूर आप ही का है। एक तो मैं खुद जिस तरह 2-3 जगहों पे जख्मी हुआ, ये तो कभी मैं नहीं भूलूंगा। बेनजीर शहीद जब कराची आई थी तो मैं उनका जो काफिला था उसमें रिपोर्टिंग कर रहा था, और मैं जिस गाड़ी पे सवार था उससे 3 फुट पे ब्लास्ट हुआ था। नहीं नहीं नहीं, ये भी हो जाएगा। मेरे वालिद की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा टेलीविज़न में काम करे, और इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैंने टेलीविज़न ज्वाइन किया तो मेरे वालिद साहब नहीं थे। आज तक मैं किसी स्टोरी पे होता हूँ, कभी लाइव होता हूँ, तो मेरे बीपर से पहले मुझे अपने वालिद का चेहरा जो है वो सामने नज़र आ रहा हूँ। इस वक्त मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद उमर। तब क्या हालात है इस वक्त वहाँ के? इस वक्त बहुत हालात ख़राब हैं, 2-3 धमाके हो चुके हैं। मेरा बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी जो जॉब है उसको बहुत इंजॉय करता है, बल्कि मेरी कॉपी करता है। उसकी ये जो बातें हैं ये बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा जो तसल्ली देती है। मैं नहीं हूँ, मेरे दूसरे भाई होंगे, मेरे बेटे होंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है जो वक्त आने वाला है वो शायद मुझसे ज़्यादा बोल्ड हो और वो मुझसे अच्छा काम कर सकेंगे। चार फौत हो चुके हैं, इसके लिए अभी बम डिस्पोजर आ चुका है और पुलिस भी आ चुकी है, और इसके लिए भी।